राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, हरे कृष्णा यूनिवर्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्योंकि अब नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, कल से नवरात्रे हैं, तो भक्तों के मन में कई तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं। और सबसे पहले जो सवाल आता है वो है कि क्या हम माता की पुरानी मूर्ति को, जो कि हम पिछले नवरात्रों में लेकर आए थे, जिसकी हमने पिछले नवरात्रों में स्थापना की थी, क्या हम उसी माता की मूर्ति को इस साल भी, मतलब इस महीने भी, उसको अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं? क्या हम उसी माता की मूर्ति की पूजा कर सकते हैं? क्या हम उसी माता के विग्रह को फिर से याचना के लिए समर्पित हो सकते हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको आपके इन्हीं सवालों का उत्तर दूंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि हम उस माता की मूर्ति का क्या करें। सभी भक्त कहते हैं कि हम तो हर बार नई मूर्ति लेकर आते हैं, माता की नई विग्रह को लेकर आते हैं, और पुराने विग्रह को हम किसी भी नदी में प्रवाहित करके आ जाते हैं। तो दोस्तों, एक प्रकार से ये बात सही है। अगर आप हर बार नई मूर्ति को अफोर्ड कर सकते हैं तो अब लास्ट, लेकिन सभी लोग इतने स्थापित नहीं होते कि वो हर बार एक नई मूर्ति को लेकर आए। तो इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि अब आप क्या करें। तो दोस्तों देखिए, हर बार नई मूर्ति को लाना उतना आवश्यक नहीं है। हम अपनी पुरानी मूर्ति से ही अपनी इस बार भी नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। उसी मूर्ति से हम नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करें, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे कि माता की ये हमारी मूर्ति है पुरानी, ये कई तरह से रोली लग के वो ऐसी हो गई है, धूल मिट्टी में लग के अब वो थोड़ी दिखने में उतनी प्रिय नहीं है। तो इसके लिए हम लेंगे पानी, थोड़ा सा माइल्ड शैम्पू, और साथ में हम एक ब्रश भी लेंगे। फिर हम माता की मूर्ति को पानी में रखेंगे उनको साफ़ करने के लिए, और उसके बाद हम माता की मूर्ति को थोड़ा सा पानी लगाएंगे। उसके बाद हम उसमें पानी में थोड़ा सा शैम्पू घोलेंगे। शैम्पू को हम अच्छे से घोलेंगे ताकि वो पानी में पूरी तरह से घुल जाए और सही प्रकार से झाग देने लग जाए। उसके बाद हम माता की मूर्ति को उसमें साफ़ कर लेंगे, जिससे कि हमारी माता की जो मूर्ति है वो एकदम साफ़ सुथरी और चमक जाएगी। क्योंकि पूरा साल जब उनकी पूजा अर्चना होती है तो धुएं के कण से, उनकी जो रोली लगती है उनसे, माता की मूर्ति थोड़ी मैली लगने लगती है। तो हम सोचते हैं कि क्यों ना इस बार भी नई माता की मूर्ति हम ले आएँ। तो दोस्तों, ये कई तरह से हानिकारक भी है, क्योंकि हम पुरानी माता की मूर्ति को खंडित समझ के उसको पानी में प्रवाहित करते हैं और उसमें जो भी तत्व होते हैं वो सारे पानी में घुल जाते हैं और वो पानी को प्रदूषित करते हैं। ये भी एक तरह से हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरा, हम अपनी उसी माता की मूर्ति को क्यों न हम पहले जैसी बना के उसी की अर्चना करें, क्योंकि हमने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। तो हमारी माता की मूर्ति को हम क्यों हर बार नहीं लेकर आएँ। हम अपने उसी माता की विग्रह को पूजा अर्चना करते हैं, जिसकी उनको हम हाथ जोड़ के विनम्रता से कहेंगे कि माता रानी, थोड़ी देर के लिए आप बाहर घूम के आए, तब तक मैं आपकी साज सज्जा अच्छे से कर लूँगी। तो मैं, देखिए, जैसे मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ, हर 6 महीने में जब भी नवरात्रे आते हैं तो मैं पहले अपनी माता की मूर्ति को इस प्रकार से साफ़ सुथरा करती हूँ। उनमें जितना भी पहले से ही जो भी मैल जमा होता है या जो भी उनमें डस्ट लगा होता है उसको मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, और मेरी माता की मूर्ति पहले की तरह एकदम चमकने लग जाती है। देखिए, क्योंकि इस पर बहुत रोली लगी हुई है, हम उनकी सब, तो हम इनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, हर प्रकार से उनको ब्रश से साफ़ कर लेंगे, अलग अलग धूल जहाँ पर भी लगी हुई है। तो देखिए, मैं इस प्रकार से माता रानी को साफ़ करती हूँ। ये मेरा हर बार का यही मेरा काम होता है, मतलब जब भी नवरात्रि रखती हूँ तो मैं पहले माता की मूर्ति को अच्छे से साफ करती हूँ। पहले उनसे प्रार्थना कर लेती हूँ, माता रानी आप थोड़ी देर के लिए बाहर घूम के आएँ। और जब माता रानी बाहर घूमने जाती हैं तो मैं उनको ऐसे साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए, अब मैं उनको अच्छे से पानी से नहला दूंगी। अब देखिए, धीरे धीरे करके माता रानी कितनी चमक रही हैं, कितनी खिल उठी हैं। पानी से साफ़ करने के बाद मैं माता रानी को अच्छे से साफ तौलिए से पोंछ दूंगी। मैं बहुत ही हल्के हाथों से करूंगी, कहीं उनका श्रृंगार खराब ना हो जाए।
तो आप भी ऐसे ही अपनी माता रानी को नहला के साफ सुथरा करके उनको अच्छे से हल्के हाथों से पोछें। पर जहाँ पर भी माता रानी का जो मेकअप होता है अगर वो उतर गया है, अगर हल्का पड़ गया, फेड हो गया, तो मैं उस पर ब्रश से फिर से दोबारा हल्का हल्का कलर कर देती हूँ। ये कलर होने के बाद देखिए माता रानी कितनी प्यारी अपनी लाल साड़ी में सुंदर लग रही हैं। ऐसे मैं हर बार ही करती हूँ, मैं ब्रश से कलर से फैब्रिक कलर लेके मैं उनको अच्छे से दोबारा पेंट कर देती हूँ, जिससे कि माता रानी की मेरी जो विग्रह होती है वो फिर से एकदम नई की तरह चमक उठती है। उसमें मैं ये वाले रंगों का इस्तेमाल करती हूँ, ये बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो मैं अपने विग्रह को इसी प्रकार से नए जैसा बना लेती हूँ। देखिए क्या अब हमारी माता रानी कहीं से भी प्रतीत हो रही है कि ये जो विग्रह है वो पहले से ही आया हुआ है, नहीं ना? तो आप भी ऐसे ही, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार माता रानी की मूर्ति लेकर आए, हर बार नई मूर्ति की ही स्थापना करें। हमारे घर में जो भी पुरानी मूर्ति हमारी माता रानी की रखी हुई है, जो पहले से ही स्थापित की हुई है, हम उसी मूर्ति को फिर से अपने नवरात्रों में स्थापित कर सकते हैं, जो कि पहले से स्थापित हो चुकी है, तो हम फिर से उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी नवरात्रि से रिलेटेड एक जानकारी, जिसकी सभी भक्तों को बहुत ही आशा होती है कि हम क्या करें। तो हम इस प्रकार से अपनी माता रानी की पुरानी मूर्ति की स्थापना फिर से कर सकते हैं। हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम एक नई मूर्ति हर बार लेकर आए, क्योंकि माता हमें ये तो कहती नहीं है कि मेरी नई मूर्ति आप हमेशा लेकर आए, हमें तो सिर्फ उनकी पूजा अर्चना करनी होती है। अब देखिए मेरी माता रानी कितनी प्यारी लग रही हैं, पहले वाली माता रानी और अब हमारी माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। तो हमारे माता का रंग रूप देखकर आप निराश ना होए, आप अपनी माता रानी को फिर से उनके पहले जैसे चमकते हुए रंग रूप को उनको उपलब्ध कराएं, जिससे माता रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगी। जब आप अपने हाथों से उनका स्वयं श्रृंगार करेंगे तो ये तो जाहिर सी बात है कि माता को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको हमारी जानकारी कहीं से भी अच्छी लगी है, अगर आपको हमारी जानकारी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय माता दी।